व्हाट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप्स आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो थंबनेल में शायद देख ही लिया है, अभी हम जा रहे हैं वो शॉप में जहाँ पे अभी हम मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं। मॉडिफिकेशन मतलब आपका जो मेरी वाली NS है इसमें अपसाइड डाउन फोक्स आता है, पर आप लोग को भी पता है कि इसमें जो फोक्स है बहुत पतले हैं इन कम्पेयर टू KTM। आप देख लो उनमें बहुत मोटे मोटे फोक्स होते हैं, जो जिसके लिए मतलब अगर मोटे होते तो लुक्स एनहेंस होता ऑब्वियसली। तो उसके लिए मैंने जुगाड़ निकाला है, यूट्यूब से ही मैंने देखा है। तो PVC का पाइप मिलता है, PVC का पाइप को कट करके मेजरमेंट करके अच्छे से उसमें बैठ जाता है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी बाइक में लगा के रखा है, मैं रोकने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग को समझाने के लिए मैं एक बार खोल दूंगा, फिर से खोल के फिर से आपको मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने मेजरमेंट लिया, कैसे मैंने फिट किया। बहुत इजी टू फिट है, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी फिट हो जाएगा। तो पहले दुकान में चलते हैं, उसके बाद मैं आपको लुक्स दिखाऊंगा कितना मतलब अच्छा लग रहा है, बल्कि लग रहा है फ्रंट साइड से, और कैसे मैंने इंस्टॉल किया वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी हम शॉप में पहुँच चुके हैं, अभी मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और ये रहा वो PVC पाइप जिसका मैं बात बोल रहा था, ये सस्पेंशन में लगाने से बहुत बल्कि लुक आता है। जिसके पास भी मेरा वाला मॉडल NS है उस पर आप लगा सकते हो, क्योंकि जो आता है NS में मेरे वाले मॉडल में वो बहुत पतला दिखता है। तो आपको मैं अभी लुक दिखा रहा हूँ कैसा आता है बाइक में, ये आप देख सकते हो कितना बल्कि लग रहा है। आप लुक चेक करो बाइक की, ये जो PVC पाइप है इसको मैंने मेजरमेंट लेके कट करके वहाँ भी फिटिंग किया है, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट जो स्टॉक में जैसा रहता है वैसे ही है, नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने मेजरमेंट लिया वहाँ पे, उसके बाद फिट किया। आपको PVC पाइप को एक साइड से कट करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, रुको मैं आपको दिखा, आप देख सकते हो यहाँ पे बीच से मतलब कट किया हुआ है, ताकि मतलब कट करने के बाद ही उसको मतलब खोल के यहाँ पे फिटिंग कर सकते हो आप। और उसके बाद आप लुक देख सकते हो कितना अच्छी आती है बाइक में। अभी मैं आपको कट करके भी दिखा दूंगा। और ये दो लेयर है, एक लेयर मैंने कट करके बैठा है, उसके बाद फिर से सेम मेजरमेंट करके उसको बैठा है, तो ज़्यादा बल्कि लग रहा है बाइक में। KTM में जैसा आता है 390 में वैसा वाला लुक आ रहा है, मतलब सस्पेंशन का। आपको मैं भी कट करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये रहा गाइस PVC पाइप, और यहाँ से हमने मेजरमेंट ले लिया है और साइड से एक लाइन करके कट कर लिया है ताकि डायरेक्ट फिट हो सके। इसको आप किसी भी स्टोर में दिखा दो, पाइप का स्टोर में आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। जितना फिट किया है और साथ ही में ही है, टोटल मेरे को 200 का भरा था, तो बहुत चीप है और लुक्स भी बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देता है। ऊपर में आप रैप लगा सकते हो, रैप लगाने का पता नहीं चलेगा। तो अभी इसको कट करते, कट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया है पाइप को, मेजरमेंट लेके अच्छे से यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इसको फोर्सफुल इसको ओपन करके जस्ट इसको यहाँ पे बैठाना है, तो मैं आपको बैठाने के बाद दिखाता हूँ। तो गाइस सोच रहा हूँ कि ये कलर लगा लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक में इतना लुक नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये सिल्वर है या ग्रे है, इसमें ज़्यादा लुक आएगा लग रहा है, तो इसको ला के देखते हैं। ब्लैक फेल रहा जब भी, रैप भी हो चुका है और मैंने फिटिंग भी कर दी। आपको मैं लुक दिखाने वाला हूँ अभी बाइक का, बाइक बहुत बल्कि लग रहा है फ्रंट साइड से। तो ये रही बाइक, आप लुक देख लीजिए कितना बल्कि लग रहा है पहले से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट साइड से भी। ये आप देखिए बाइक का लुक कितना बल्कि लग रहा है अभी। लोकेशन अच्छा नहीं है, गंदा है, बड़ा बाइक का लुक देख लीजिए। आपको मैं सिनेमैटिक भी प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ रील और शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये है बाइक का ऑल ओवर लुक, बैक से भी ऐसे ही मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ बाइक का लुक। ये रही अपनी बाइक। तो यही था आज का अपडेट सस्पेंशन, बाकी रहा तक कि आज का वीडियो रखता हूँ, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं किट इंस्टॉल करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए यही था सस्पेंशन के ऊपर, बहुत इजी टू इंस्टॉल है, आपको मैंने पूरा प्रोसेस भी दिखा दिया। बस PVC पाइप खरीदो, मेजरमेंट करो, कट करो, उसके बाद रैप करो और फिटिंग कर दो, बस इतना ही था आज के लिए। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।